सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर सीबीएसई को और बेल आइकन को दबाइए ताकि आप अपने लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देख सकें। हेलो बच्चों, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 4 के बारे में, जो है कि कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो बेसिकली इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि मैं आपका एक माइंड मेकअप करूंगा, माइंड सेटअप करूंगा, जिसके थ्रू आप लोगों को एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आएगा ना, बहुत आसानी से कर लेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करते। तो यह वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास 10th के बोर्ड स्टूडेंट के लिए, ठीक है? तो बहुत ध्यान से लास्ट तक देखिएगा, कोई भी डाउट और कोई भी संशय होगा तो हमसे कमेंट बॉक्स में मिल लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमारा कार्बन, जैसे आप लोग भी कहीं पर जाते हैं तो सबसे पहले अपना नाम का परिचय देते हैं, उसी प्रकार हमें पहले बताया गया कि जो हमारा कार्बन है एक वर्सेटाइल एलिमेंट, मतलब बहुत ज़्यादा अमाउंट में पाया जाता है, कहीं पर देख लिए, लिविंग से लेकर नॉन लिविंग यानी जीवित से लेकर जो मरे हैं उनमें भी कार्बन बहुत ज़्यादा पाया जाता है, मतलब उनमें भी पाया जाता है। तो कुल मिला जुला कर कार्बन की बहुत ज़्यादा अप्रोच है कहीं पर भी, ठीक है? तो क्यों अप्रोच है, उसका एक कारण है, क्यों? क्योंकि कार्बन के पास टेट्रावैलेंसी होती है। अब कोई पूछेगा सर टेट्रावैलेंसी क्या होती है, जैसे कार्बन जो है ना इसकी चार वैलेंसी, मतलब इस तरीके से, मतलब चार एलिमेंट को एक साथ कंबाइन कर सकता है। तो इसी प्रॉपर्टी क्या कहते हैं, हाँ कैटेनेशन प्रॉपर्टी कहते हैं। हमें याद रखना कि कार्बन के पास कैटेनेशन प्रॉपर्टी होती है, जिसके कारण लॉन्ग चेन बनाता है, इसे बनाते जाएगा तब तक बनाएगा जब तक कि एलिमेंट ख़त्म न, इसी वजह से इसकी क्या होती है बताइए आप लोग, हाँ कैटेनेशन प्रॉपर्टी होती है, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा कंपाउंड के साथ मिलकर ज़्यादा से ज़्यादा एलिमेंट बनाएगा या कंपाउंड बनाएगा या मॉलिक्यूल्स बनाएगा। कुल मिला जुला कर समझ गए। अगला पॉइंट है कि ये क्या बनाता है, कोवेलेंट बांड भी बनाता है, ठीक है? कोवेलेंट बांड मतलब क्या होता है, जब भी हमारा कोई मान लीजिए कार्बन है, कार्बन स्वयं कार्बन से अपने इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, शेयरिंग में शेयर करता है, मतलब कि भैया देखिए समझौता, ठीक है? समझौता कि मतलब जब तुम्हें जरूरत होगी तुम ले लेना, जब मुझे जरूरत होगी मैं ले लूँगा, इसी क्या कहते हैं कोवेलेंट बांध, मतलब समझौता कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई हाइड्रोजन आया तो कहेगा भैया इलेक्ट्रॉन हमें दे दो, तो ये दे देगा तो ये बना लेगा, अगर वहीं पर यहाँ आया ये दे दिया। तो कुल मिला जुला कर क्या होता है बताइए आप लोग, हाँ कोवेलेंट बांड मतलब कि जो समझौता करके बांड बने वो इसे क्या कहते हैं, कोवेलेंट बांड यानी शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू एलिमेंट, ठीक है? तो वही हमारा कोवेलेंट बांड हो जाएगा। तो यही देखिए बता रहा है कि कार्बन किसी, जो हमारा कार्बन है वह किसके किसके साथ बनाता है बॉन्ड, हाइड्रोजन के साथ, ऑक्सीजन के साथ, सल्फर के साथ, नाइट्रोजन के साथ एंड क्लोरीन के साथ, कुल मिला जुला कर यह ज़्यादातर एलिमेंट से बनाता है, क्या बनाता है, हाँ कोवेलेंट बांड बनाता है, किसके साथ याद रखना है हमें, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन एंड क्लोरीन के साथ बनाता है, ठीक है? और देखिए कार्बन के पास और अधिक फॉर्म है कौन कौन सी, यह डबल बांड बनाता है, कैसे, जैसे सी डबल बांड सीने पड़े हैं, हाँ बताइए क्या होता है इसे, यही होता है इथीन, हाँ उसी प्रकार सी ट्रिपल बांड होता है कि नहीं होता, बिल्कुल होता है, इसे क्या कहते हैं मिथाइन। ये सब हम बातें कर चुके हैं, केवल मैं आप लोगों को मेमोराइज करवा रहा हूँ, ठीक है? और ये भी बताते हैं कार्बन में भी फॉर्म स्ट्रेट चेन भी बनाता है और ब्रांच चेन भी और रिंग भी बनाता है, हाँ रिंग का बताइए एग्जाम्पल, बिल्कुल सही, बेंजीन आप लोग देखे हैं तो बेंजीन में रिंग बना रहा है, स्ट्रेट चेन है, इसे कार्बन की लंबी लंबी चेन नहीं होती है कि एलिमेंट बढ़ता जाएगा और ये ज्वाइन होता जाएगा, उसी प्रकार एक ब्रांच चेन भी बताइए, एक कार्बन यहाँ पे, फिर एक कार्बन यहाँ पे, एक कार्बन यहाँ पे, तो इसी प्रकार मारे बनाता है या बहुत ज़्यादा बनाता है, क्या बनाता है, हाँ बॉन्ड बनाता है, ठीक है? समझ में आ रहा है ना? तो अगला प्रॉपर्टी है कि इसी को जब यह बार बार चेन बनाता है ना तो एक होमोलोगस सीरीज बनती है, ठीक है? जिसमें हमें फंक्शनल ग्रुप अटैच कर सकते, जैसे मतलब कार्बन है इसके साथ आप एल्कोहल वाला बॉन्ड जोड़ दीजिए, कार्बन है इसके साथ एसिडिक ग्रुप जोड़ दीजिए, कार्बोक्सिलिक एसिड जोड़ दीजिए, ठीक है? तो कुल मिला जुला कर जो हमारा कार्बन है इसका बहुत प्रॉपर्टी होती है, बहुत ही ज़्यादा यह एलिमेंट से कुल मिला जुला कर बॉन्ड बनाता है। तो कुल मिला जुला कर इसकी, इसीलिए हम कहें ना इसका क्या नेचर है, हाँ बताइए आप लोग, हाँ बिल्कुल सही, वर्सेटाइल नेचर है, ठीक है? उसी प्रकार हमारा पता है कि फंक्शनल ग्रुप से भी ज्वाइन हो जाता है, और हमारा अगला है कि बता रहा है कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप से ज्वाइन होगा, अल्कोहल से याद रखिए, अल्डिहाइड से, कीटोन से, कार्बोक्सिलिक एसिड से और बिस्टो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी, इसके पास और प्रॉपर्टीज भी होती है, ठीक है? जो कार्बन एक दूसरे से बनाता है। तो कुल मिला जो का देखिए हमें याद नहीं रखना है कि किसे किसे बनाता है, जिसे आप प्रैक्टिस करेंगे और एनसीईआरटी की भी क्वेश्चन लगाइए, अगर आप लोगों का साइड बुक है उसके भी क्वेश्चन लगाइए, तो आप लोगों के सारे डाउट जो है क्लियर हो जाएंगे, ठीक है?
तो हमारा अब हम देखिए अभी इसके कुछ यूज यानी मतलब देखिए हमने समझ लिया कार्बन भैया यहाँ पाया जाता है, यहाँ पाया जाता है, ठीक है। अब हम जान लेते इसका यूज कहाँ है। कार्बन इसी कंपाउंड की बहुत ज़्यादा यूज है फ्यूल के रूप में। अच्छा बताए किसी को एग्जाम्पल याद है कि कार्बन का जहाँ पे फ्यूल के रूप में यूज करते हैं। बिल्कुल सही, कोल आप देखिए कोयला, जैसे भट्टी उट्टी डाला जाता है कोयला ने, तो वहाँ पे भी हम लोग यूज करते हैं। कोयला में तो कार्बन का परसेंटेज होता है, बिल्कुल होता है। तो हम लोग इसे इंडस्ट्री के रूप में भी यूज़ कर सकते हैं कोयला को, ताकि हम हीट एनर्जी जनरेट करें और हम इलेक्ट्रिसिटी के लिए भी जनरेट कर सकते हैं। उसी प्रकार हमारा जितने भी पेट्रोलियम है उसमें भी हमें कार्बन के कुछ कंपाउंड पाए जाते हैं, ठीक है। तो कुल मिला जुला कर हम कार्बन का यूज़ किस में करते हैं और इसके कंपाउंड का फ्यूल के रूप में यूज़ करते हैं। और ठीक है उसके हम आगे बता रहे हैं इथेनॉल है, इथेनिक एसिड है, कार्बन कंपाउंड इंपोर्टेंट इन डेली लाइफ। वैसे तरीके से हम इथेनॉल और जो हमारा इथेनिक एसिड है इसका हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं अपने खाना को सुरक्षित रखने के लिए। अच्छा एक बताइए, हमने पढ़ा था आप लोग जैसे अचार आप लोग घर में जिन बच्चों के घर में बनता है उसमें एक चीज़ डाला जाता है, बताइए क्या। हाँ उसमें हम लोग डालते हैं बेंजोइक एसिड, ठीक है याद रख लीजिएगा ये बेंजोइक एसिड। क्यों? क्योंकि यह फूड को प्रोटेक्शन करता है कि सड़ने और गलने से बचाता है, यानी खराब होने से बचाता है। अचार में उसी लिए यह डाला जाता है, या तो कभी कुछ सिरका भी डाला जाता है उसमें भी कार्बन का कंपाउंड होता है। तो कुल मिला जुलाकर कार्बन का यूज हम बहुत ज़्यादा देख ही रहे हैं भैया, जहाँ भी जाएंगे तहाँ कार्बन लग जाएगा। कार्बन इमिशन भी होता है पॉल्यूशन, तो पॉल्यूशन आज के दिन में तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, तो वहाँ पर भी हम देख सकते हैं। और हम इसका बात करते हैं कि देखिए इसके बाद हमें बताया है कि जो कार्बन है ठीक है उसके कुछ अदर यूज हैं क्या है, वही बता रहे कि एक्शन ऑफ सोप और डिटर्जेंट की बात कर रहा है, यानी आप लोग जो घर में सोप और डिटर्जेंट यूज करते हैं उसके बारे में डिस्क्राइब किया गया। तो सबसे पहले हम समझते हैं हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक क्या होता है। अच्छा ये बताइए किसी को आप सुने कि हाइड्रोफोबिया है, बताइए आप लोग। हाँ इसका मतलब क्या होता है, उस पर्सन को या उस इंसान को पानी से डर लगता है, ठीक है किसे डर लगता है पानी से। तो कुल मिला जाकर जिसमें हाइड्रोफोबिक है मतलब पानी से डर लगेगा, कार्बन का वह पार्ट मतलब कोई भी कंपाउंड है उसका अगर कोई पार्ट पानी से टच नहीं हो रहा तो उसको हाइड्रोफोबिक पार्ट कहेंगे। और जो हाइड्रोफिलिक पार्ट क्या होता है, तो ये आपको हाँ जो जो पानी या वाटर से आसानी से लिंक हो जाए, यानी जो पानी से ज़्यादा अटैच हो जाए तो वही क्या होगा हाइड्रोफिलिक ग्रुप हो जाएगा। तो वही बात कर रहा है कि जो हमारा दो पार्ट होता है सोप हो या डिटर्जेंट, उसमें दो पार्ट होता है, कौन कौन सा, हाइड्रोफोबिक पार्ट होता है और हाइड्रोफिलिक पार्ट होता है। हाइड्रोफोबिक पार्ट मतलब जो वाटर से अटैच हो जाए, हाइड्रोफिलिक पार्ट मतलब जो वाटर से अटैच ना हो। तो यही दोनों जो हमारा हाइड्रोफिबिक है सॉरी हाइड्रोफोबिक है हाइड्रोफिलिक है, यही दोनों हमारे जो ऑयल के साथ होते हैं कौन सा पार्ट जुड़ेगा, बताइए आप लोग। हाँ बिल्कुल सही, हाइड्रोफोबिक जुड़ेगा ऑयल के साथ, सॉरी 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 हाइड्रो, हाँ सही कहा, हाइड्रोफोबिक जो है आयल के साथ जुड़ेगा, हाइड्रोफिलिक किसके साथ जुड़ेगा वाटर के साथ। तो जब हम पानी गिराते हैं तो दोनों तो हाइड्रोफोबिक है या हाइड्रोफिलिक है दोनों के साथ जुड़े रहते हैं। जब पानी गिराते हैं तो इसके साथ वाटर को तो वाटर को गिराएंगे तो हमारे जो ग्रीस है या ऑयल डर्ट है ये भी उसके साथ घुल मिल के बाहर निकल जाते हैं। तो इसी के बेसिस पर हमारा मैकेनिज्म काम करता है, कैसे हमारा सोप काम करता है। कुल मिला जाएगा हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक पार्ट पर ही डिपेंड करता है, तो उसी की हेल्प से हम निकाल पाते हैं। तो इतना हमें डीप में नहीं पूछे, खाली यही पूछे का हाइड्रोफिलिक पार्ट क्या होता है हाइड्रोफोबिक पार्ट, ये तो आप बता ही सकते हैं। देखिए कुल मिला जुला हमने देखिए कार्बन की क्या क्या प्रॉपर्टीज देखी वो भी देख लिया, कार्बन कैसा वर्सेटाइल मतलब बहुत ज़्यादा बनाता है, कैटेनेशन के बारे में जान लिया, और ये भी जान लिया कि किसके साथ कोवेलेंट बांड बनता है। कोवेलेंट बांड में हमने जान ही लिया कि क्या होता है शेयरिंग, जब हम शेयर करेंगे तो कौन सा बांड होगा कोवेलेंट बांड होगा यानी समझौता। तो उसी प्रकार हमारे फंक्शनल ग्रुप है, जितने भी हमारे फंक्शनल ग्रुप है उसे याद करने की जरूरत नहीं है, जैसे एल्कोहल और उसे ओ एस लिखते हैं। उसी प्रकार हमारा एक कीटोन है, अगर यहाँ पर एक हाइड्रोजन लगा दे तो क्या हो जाएगा अल्डिहाइड हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के याद आप लोग को नहीं करना, धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे तो सारे क्वेश्चन या सारे जितने वो मतलब जितने भी हमारे ग्रुप हैं उसे आप आसानी से याद कर लेंगे। कम से कम दिन भर में अगर याद ही कर लेंगे मेमोराइज में तब भी याद जाएंगे। मैं आप लोग को देखिए रटवा दे रहा हूँ एक बार में, एल्कोहल का क्या होता है बताइए आप लोग, ओ एच होता है, ये देखिए कीटोन होता है, अगर सी डबल बॉन्ड ओ है ठीक है तो कीटोन होगा, लेकिन एक हाइड्रोजन रोल डाल दीजिए तो क्या अल्डिहाइड हो जाएगा। समझ गए कि नहीं, बिल्कुल समझ गए। वही बात करें कार्बोक्सिलिक एसिड से सी डबल ओ एच, बहुत आसान है, दो ओ एच और एच सी डबल ओ एच, बताइए क्या होता है कार्बोक्सिलिक एसिड सी डबल ओ एच। तो कुल मिला जुला कर देखिए मैं आप लोग को याद करवा दिया, एक बार मेमोराइज करेंगे तो बहुत क्लियर हो जाएगा। अगर आप लोग यहाँ तक आ चुके हैं चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ठीक है, और
वीडियो का जो अच्छा पार्ट लगे उसे बताइए। अगर इन केस किसी बच्चे कोई भी डाउट हो, कोई भी संशय हो, तो कमेंट बॉक्स में मिले, मैं उसको डाउट को क्लियर करने की कोशिश करूँगा। तो आशा करता हूँ आप लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया होगा, और चाहिए तो आप लोग मैं जितने वीडियो बना रहा हूँ सब जाके देख लीजिए। उसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि आप लोग क्लास 10th में मैं जल्दी समराइज करवा देता हूँ, और ताकि आप लोग एग्ज़ाम टाइम में अच्छा से अच्छा स्कोर कर सकें। ठीक है।